सत्यम शिवम सुंदरम यानी शिव ही सत्य है, शिव सुंदर है सूत्र वाक्य को चरित्रार्थ करने के लिए पूरे भारत में मनाया गया महाशिवरात्रि का महापर्व। गोरखपुर संसदीय उपचुनाव के लिए प्रशासन तैयार, जिलाधिकारी तथा एसएसपी ने कार्यक्रमों की दी जानकारी, कहा 2041 बूथों पर 19,49,178 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग, कहा सुरक्षा के व्यापक हैं इंतजाम। गोरखपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ समापन, संगोष्ठी में कई राज्यों से आए वक्ताओं ने अपने काव्यों का किया पाठ। लोकसभा चुनाव के लिए स्कूली बच्चों ने बनाई मानव श्रृंखला, दिया मतदाता जागरूकता का संदेश, जिलाधिकारी ने कहा स्कूली बच्चों का सार्थक है प्रयास। गोरखपुर विश्वविद्यालय के डेलीगेसी प्रतियोगिता के तहत छात्र छात्राओं ने उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए निजीकरण आवश्यक है विषय पर पक्ष विपक्ष में रखे अपने विचार। महाशिवरात्रि पर मुक्तेश्वर नाथ शिव मंदिर में आस्था की उमड़ी भीड़, श्रद्धालुओं ने पूरी आस्था के साथ की पूजा अर्चना। 4 मार्च को अदा की जाएगी बाले मियां के लग्न की रस्म। कलेक्ट्रेट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में शुरू हुआ नामांकन की प्रक्रिया, 13 लोगों ने खरीदा पर्चा, नहीं हुआ कोई नामांकन, एडीएम प्रशासन ने लिया व्यवस्था का जायजा। दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में मंगलवार से आरंभ हुई 7 दिवसीय योग शिविर, वक्ताओं ने समसामयिक परिवेश में योग एवं प्राणायाम पर रखे विचार। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चला हस्ताक्षर अभियान, की जिलाधिकारी ने शुरुआत, कहा अपने मतों का अवश्य करें प्रयोग। खादी प्रदर्शनी में सदरी और शाल की धूम। गोरखपुर महानगर में 12 अप्रैल तक धारा 144 लागू। और लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी ने लगाई जीत की हैट्रिक।